स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। यूपी एमपी के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? ए बिहार, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी उड़ीसा? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मीडिया सेंटर में एग्री हैकथोन कार्यक्रम की हुई शुरुआत। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मीडिया सेंटर में एग्री हैकथोन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एग्री हैकथोन कार्यक्रम वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया, जिसमें 10 कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों की आइडिया को सुना गया। जिन छात्रों के आइडियाज किसानों के लिए सफल व सटीक होंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर आर के सोहाने ने बताया कि ये कार्यक्रम पूरे देश में पहला कार्यक्रम है जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने शुरू किया। इसमें छात्र अपने आइडिया हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इसमें 2 छात्रों का सिलेक्शन भी हुआ है। आज इसका दूसरा चरण है। पहले चरण में कई छात्रों के आइडियाज को सुना गया था। उन्होंने कहा कि छात्रों के आइडियाज को अपस्केल कैसे करें, इस पर हमारी प्लानिंग है। छात्रों से कृषि के उत्पादन में सुधार, प्रौद्योगिकी विचार, कृषि सेवाओं में नवाचार व कृषि अनुसंधान में आधुनिक उपकरण के विषय पर आइडिया लिए गए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हैकेथॉन ये कार्यक्रम है, जिसमें हम ऐसे अपने स्टूडेंट्स जिनके पास कई अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, कार्यक्रम शुरू किया है। और ये विश्वविद्यालय द्वारा पूरे कंट्री में पहला कार्यक्रम है जो किसी कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। इसके जब प्रथम चरण हुआ था, उसमें 28 फरवरी से 5 मार्च तक 10 विश्वविद्यालयों की 35 स्टूडेंट की टीमों ने भाग लिया था। और उसमें हम लोगों की 4 थीम थी, जिसमें कि कैसे हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ाएँ, कैसे हम अपनी एडवाइजरी को अच्छा भेजें, और कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनके माध्यम से कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी किसान बढ़ा पाए। इस क्रम में ये कार्यक्रम हुआ और आज इसका मेन प्रोग्राम है, जिसमें जो भी बच्चे फाइनल में पहुंचे हैं वो अपने प्रेजेंटेशन देंगे। आज हमारे डॉक्टर एन सुमन कुमार जो एक्स सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर पी एस पांडे साहब जो सहायक महानिदेशक हैं कृषि शिक्षा के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जो हमारा कृषि वैज्ञानिकों का चयन मंडल उसके माननीय सदस्य हैं। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर और 10 विश्वविद्यालयों के फैकल्टी मेंबर्स, हमारे पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। हमें विश्वास है कि इससे जो आइडिया निकल के आएंगे, उन आइडियाज़ बच्चों के जो आइडिया निकल के आएंगे, उनसे कहीं ना कहीं हमें आगे अपनी प्लानिंग करने में सुविधा होगी। और ये भी निर्णय लिया है कि इन चारों थीमों में जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करेंगे, उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। तो ये पहली बार प्रोग्राम है और इसमें 10 कृषि विश्वविद्यालयों के बच्चे भाग ले रहे हैं, जो एक काफ़ी खुशी की बात है। कहाँ कहाँ, इंडिया के या इसके अलावा? हमारे बच्चे हैं वो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय बंगाल से है। भागलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर डीएसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास सिंगिंग अभियान। वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे स्टेज के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भागलपुर के तिलकामांझी चौक पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर सघन मास सिंगिंग अभियान चलाया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर ओम प्रकाश अरुण के नेतृत्व में चलाए गए मास सिंगिंग अभियान के दौरान मास्क नहीं पहने लगभग 2000 लोगों से प्रति व्यक्ति 50 रुपए का चालान काटा गया। इस दौरान हेडक्वार्टर डीएसपी ओम प्रकाश अरुण ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर अभियान चलाया गया। जो जुर्माने की राशि वसूल की गई है वह सिविल सर्जन के पास जमा कराया जाएगा। 19 को संक्रमण को बढ़ते हुए देख करके हमारे वरीय प्रशासन के ओर से निर्देशन में ये अभियान आज चलाया गया है।
जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको ₹50 फाइन किया जा रहा है, जिससे देखा जा रहा है कि पब्लिक जो है काफ़ी संख्या में मास्क पहन करके आ रहे हैं, इससे लोगों में जागरूकता आई है। ये अभियान लगातार वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में चलता रहेगा ताकि कोरोना संक्रमण को अधिक से अधिक रोका जा सके। लगभग सर कितने लोगों का काटे हैं? आज हम लोग लगभग 2000 आदमी का काटे हैं चालान, जो फाइन हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में CS को जमा करेंगे। थैंक यू जी सर। कोविड को लेकर के हम लोग पूरा प्रिकॉशन बरत रहे हैं, जो भी SOP है उस हिसाब से हम लोगों की तैयारी भी है, और जो थोड़ा सा हम लोगों ने लीनियंसी देखा है कि लोग मास्क के प्रयोग करने में थोड़ा सा उतना सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं, तो हम लोगों ने आज मैसिव अभियान चलाया है पूरे ज़िले में, ख़ास करके भीड़ भाड़ वाले एरिया में, और काफ़ी आज जुर्माना भी लोगों से वसूला गया है। तो आप देख रहे होंगे आज रास्ते में चलने पर जो मुझे भी देखने को मिला कि मैक्सिमम लोगों ने मास्क लगा रखा है, तो ये अभियान आगे भी चलेगा। लोगों से मेरी अपील है कि सिर्फ जुर्माने के डर से नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें, और अगर किसी तरह का सिम्टम अगर डेवलप होता है सर्दी जुकाम, सब लोग अवेयर हैं कि कोविड को लेकर के क्या क्या सिम्टम डेवलप होता है, तो नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जा कर के आप जांच करा सकते हैं। हम लोगों ने कई मोबाइल टीम्स भी शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने लगाई है, जहाँ लोग जा कर के इमीडिएटली अपना सैंपल दे सकते हैं। तो कोविड को लेकर के हम लोगों की तैयारी पूरी है, परंतु लोगों से अपील है कि वो सतर्कता पूरी तरह से बरतें और किसी भी तरह की ढिलाई ना करें। इंटर की परीक्षा में प्रैक्टिकल में फेल किए जाने से नाराज छात्रों ने SM कॉलेज में जमकर काटा बवाल। भागलपुर SM कॉलेज की साइंस की छात्राओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। दरअसल इंटर प्रायोगिक परीक्षा में फिजिक्स सब्जेक्ट में 40 से अधिक छात्राओं को फेल कर दिया गया है। छात्राओं ने कॉलेज में पहले हंगामा किया, फिर प्राचार्य का घेराव करते हुए प्राचार्य कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। छात्राओं का कहना है कि इसमें से कई लड़कियां मार्क्स में फर्स्ट डिवीजन है, पर प्रायोगिक परीक्षा में कॉलेज की तरफ से उन्हें फेल कर दिया गया। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया कि कॉलेज की तरफ से प्रायोगिक परीक्षा के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, नहीं देने पर उन्हें फेल कर दिया गया। इस दौरान कई छात्राओं ने कहा कि अगर उनकी कॉपी को पुनः जांचा नहीं गया तो वो कॉलेज में ही आत्महत्या कर लेंगी। इस दौरान एक छात्रा घबराहट के कारण कॉलेज में ही बेहोश हो गई। वहीं कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि छात्राओं से लिखित शिकायत लेकर छात्राओं को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। नहीं दे पाए इसीलिए और इमरजेंसी में मांग रहा था, बोल रहा था कॉपी का जमा करो और पैसा जमा करो तो नंबर बैठा देंगे। प्रैक्टिकल मतलब नंबर देने के लिए पैसा मांग रहा था? हाँ, पैसा जो पैसा दी वो जो ले रहा था एग्जाम विक्रम सर जो ले रहा था, और जिसको अभी जो भी पैसा दिया उसका नंबर है वो अच्छे नंबर से पास है, तो हम लोग के पास अच्छा नंबर रहते हुए हम लोग फेल करा रहे, नहीं तो आप मेरा मार्कशीट देख सकते हैं। ठीक है, क्या नंबर था? या तो उन्होंने बोला कि बाहरी लोग आया गया था परीक्षा लेने, जबकि हम लोगों ने परीक्षा दिया है, हम लोग नहीं जानते कौन है, सब कॉलेज के ही लोग थे, और हम लोगों के लिए हम लोगों से पैसा मांगा गया था, हम लोग पैसा नहीं दे पाए इसलिए हम लोग को फेल कर दिया गया है जानबूझ के। सर हम लोग का थ्योरी में मेरा 51 मार्क्स है, और सर क्या हम जब 51 मार्क्स हम थ्योरी में ला सकते हैं तो सर प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं दिए होंगे? सर हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, वैवा तक हम लोग दिए थे अच्छे से, मेरा सारा एग्जाम मेरा अच्छा गया था, फिर भी ये लोग जानबूझ के फेल किए। इसका रीज़न यही है कि हम लोग पैसा नहीं दिए, जो लोग पैसा दिया वही लोग को पास किया गया है, और ये सब मैथ का एक भी स्टूडेंट फेल नहीं किया गया, सब बायो का किया गया है। आगे क्या करना है? आगे हम लोगों को, हम बस इतना ही चाहते हैं मेरा प्रैक्टिकल कॉपी में हमको दिखाया जाए, मेरा प्रोजेक्ट पेपर दिखाया जाए जिसमें हम बनाए हैं, आपको कितना मार्क्स दिया गया वो हमको देखना है। नहीं दिखाएगा तो? क्यों नहीं दिखाएंगे? तो नहीं दिखाएं तो हम लोग यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे, और ज्यादा नहीं मानेंगे तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। यही क्या नाम है? पूनम कुमारी। परीक्षक ना बताएंगे, एक्सटर्नल बताएंगे, इंटरनल है की रिस्पांसिबिलिटी आप प्रिंसिपल हैं सर? जी नहीं, मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि इंटरनल काउंसिल का हम मौखिक रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से दलाल है वो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रेस विज्ञप्ति पर पूरा कॉलेज चलाता है, पूरे बिहार का अपना एक शिक्षा के कर्मचारी तक नहीं देता, विश्वविद्यालय के वेतनभोगी कर्मचारी काम करते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह स्थायी बंदोबस्त करके सिर्फ शोषण करता है, सुविधा देता है, लड़की आत्महत्या है उनकी विशेषता, उनकी सुविधा, लेकिन कौन जिम्मेदार कौन होंगे सर? जिम्मेदार कोई नहीं होगा, इंटर काउंसिल होगा, इंटर काउंसिल जिम्मेदार होगा, वो आदेश करा के लाइए कॉपी खुलेगा। गलत हुआ ना सर? नहीं जी नहीं, कोई गलत नहीं हुआ, गलत हुआ।
आंतरिक परीक्षक होते हैं, आंतरिक परीक्षक कॉलेज के सहयोगी हैं, बाह्य परीक्षक परीक्षक लेते हैं। सर जब सहयोगी है उनके प्रेजेंट में तो हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ गया, तो आप कैसे बोले कि उनका हक है? बाह्य परीक्षक परीक्षक मतलब क्या, बाहरी और आंतरिक दो परीक्षक होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। बाह्य परीक्षक के नाम क्यों लिया जबकि ऐसा हुआ नहीं था? आप जो करना है लिख के दीजिए, हम लोग हैं उनके पोर्टल पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन किया, उनके पोर्टल पर जाकर अपने परीक्षा प्रपत्र भरा, परीक्षा की घोषणा उसने की, उस तिथि के अनुसार परीक्षा लिया गया, परीक्षा का है प्रायोगिक सैद्धांतिक परीक्षा हुआ। अब परीक्षकों की अपनी स्वतंत्रता अपनी विशेषता वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार हुआ। आपका जो भी दर्द है वो लिखित रूप में करें, मैं अग्रसारित करूंगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो भी निर्देश देगा छात्रहित में उसका पालन किया जाए, जो भी निर्देश देगा, कॉपी खोलने का देगा कॉपी खोलेंगे, लेकिन किसी भी कॉलेज के प्राचार्य को यह अधिकार नहीं कि कॉपी खोल दे। जब परीक्षक ने मार्क्स दे दिया उसी को अधिकार है कि वो आदेश देगा। केवल फिजिक्स में ये सब सवाल है, वो जो भी अधिकार है फिजिक्स में नंबर नहीं दिया गया। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर, तीन गोलियों से थर्रा उठा भागलपुर का बरारी थाना क्षेत्र, युवक जख्मी। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बरार मधु चौक के समीप प्रिया मेडिकल संचालक एवं स्टाफ ने मिलकर स्वर्गीय परशुराम यादव के 30 वर्षीय पुत्र टिंकू उर्फ राजीव यादव को तीन गोलियां दे दनादन मारकर युवक को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजन ने आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर मायागंज में जख्मी युवक के भाई सोम कुमार ने बताया कि प्रिया मेडिकल में कॉरेक्स की दवा बिक्री होती है, उसी को लेकर स्थानीय युवकों के बीच झंझट हुआ था। जख्मी युवक के परिजन की माने तो सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गया था और कुछ देर के बाद भाई को खबर मिला कि उसके बड़े भाई को विपिन यादव एवं उसके स्टाफ ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया है। इधर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनकी इलाज जारी है। सब्जी बेच बेटे को बनाया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। श्रीपुर के सूरज ने सीजीएल की परीक्षा में 17वां रैंक लाकर नवगछिया के मान सम्मान को बढ़ाया। नवगछिया के श्रीपुर निवासी मनोज कुमार सिंह के पुत्र सूरज कुमार ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सीजीएल की परीक्षा में 17वीं रैंक हासिल कर नवगछिया के गौरव को बढ़ाया है। सूरज का ओबीसी कैटेगरी में 4th रैंक है। सूरज अब अपने रैंक के हिसाब से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनेगा। सूरज की उपलब्धि पर उसके माता पिता फूले नहीं समा रहे। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत कर सूरज के माता पिता ने उसे लायक बनाया, तो दूसरी तरफ सूरज ने भी उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया। सूरज ने बताया कि कक्षा 3 तक उसने नवगछिया के नया टोला स्थित एक विद्यालय में पढ़ाई की और उसके बाद उसे भागलपुर के रामकृष्ण विद्या मंदिर के छात्रावास में भेज दिया गया। वहीं से सूरज ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। सूरज ने इंटर की पढ़ाई डीपीएस बोकारो से की और वर्ष 2016 में बीटेक की पढ़ाई कोलकाता से पूरी की। फिर सूरज ने पूरा फोकस कंपटीशन परीक्षा के लिए किया। सूरज ने कहा कि आज के प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए निरंतर परिश्रम और लगन की जरूरत है। पढ़ाई नियमित हो सके इसका ध्यान सदैव रखना चाहिए। नवगछिया के बुद्धिजीवियों भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, फाइटर जेम्स, जदयू नेता ज्ञान सक सिंह, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, गायक मिथुन महुआ, धर्मेंद्र कुमार, संतोष गुप्ता आदि अन्य ने खुशी व्यक्त करते हुए सूरज को बधाई दी। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया।
खिरनाई नदी को अतिक्रमण करने वाले 17 लोग चिन्हित और लोगों को चिन्हित कराने की प्रक्रिया जारी। नवगछिया की ऐतिहासिक खिरना नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर प्रशासन स्तर से कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नदी को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर नवगछिया अंचल स्तर से नापी करवाने का कार्य पिछले दिनों आरंभ कर दिया गया। अंचल स्तर से खिरना नदी की जा रही नापी में अब तक 17 व्यक्ति जिनके द्वारा खिरना नदी का अतिक्रमण किया गया है उसे चिन्हित भी कर लिया गया। नवगछिया के अंचलाधिकारी विश्वास आनंद ने बताया कि खिरना नदी का एरिया काफी बड़ा है जिसका नापी के कार्य में नवगछिया के अमीन के अलावा नारायणपुर के अमीन के साथ नवगछिया के हल्का कर्मचारी मोहम्मद शहाबुद्दीन को लगाया गया। नापी में अब तक 17 व्यक्ति जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। एक सप्ताह के अंदर अंदर नापी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है वैसे लोगों को भी चिन्हित कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के द्वारा नदी की जमीन का अतिक्रमण किया गया उन लोगों को चिन्हित करने के उपरांत अतिक्रमण एक्ट के तहत नोटिस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से नोटिस की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। मालूम हो कि नवगछिया की खिरना नदी का बृहत पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है और गंदे पानी व कूड़ा डंपिंग किए जाने से नदी के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। सावित्री पब्लिक स्कूल की छात्रा अंशु ने सैनिक स्कूल चयन परीक्षा में मारी बाजी। नवगछिया के नया टोला वार्ड 23 निवासी पंकज कुमार दिनकर की पुत्री अंशु कुमारी का चयन सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा आसाम के लिए हो गया। अंशु वर्तमान में नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल की छात्रा है। सैनिक स्कूल में अंशु के चयन होने पर अंशु कुमारी के पिता पंकज कुमार दिनकर, माता बरखा कुमारी, दादा कामेश्वर प्रसाद साह, छोटा भाई अंशु ने मिठाई खिलाकर उसे बधाई दी। इधर अंशु के सैनिक स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सावित्री पब्लिक स्कूल के निदेशक राम कुमार साहू, सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। शेखा हत्याकांड में साक्ष्यों का संकलन करने पहुंचा खोजी कुत्ता। रंगरा में हुई शेखा हत्याकांड में घटना से संदर्भित विभिन्न तरह के साक्ष्यों का संकलन करने पुलिस स्तर से डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। जानकारी के अनुसार खोजी कुत्ता घटना स्थल से 100 मीटर के दायरे में ही इर्द गिर्द मंडराता रहा। जानकारी मिली कि पुलिस को इस कांड में कई तरह के महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस शेखा के कथित प्रेमी की भी तलाश कर रही है। मालूम हो कि 4 दिनों से लापता शेखा का शत विक्षत शव मकई के खेत से बरामद किया गया था। मालूम हो कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति इस्माइलपुर लक्ष्मीपुर निवासी गोपाल मंडल को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनुमंडल स्तर पर आयोजित जनता दरबार में 11 मामलों की हुई सुनवाई, 2 निष्पादित। जमीन विवाद संदर्भित मामले के निष्पादन को लेकर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में शनिवार को SDO अखिलेश कुमार और SDO SDPO दिलीप कुमार के द्वारा जनता दरबार लगाकर मामले का निष्पादन किया गया। शनिवार को अनुमंडल कार्यालय में जमीन विवाद के कुल 11 मामलों की सुनवाई की गई। सभी मामलों की क्रमबद्ध सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बात को सुना गया। इस दौरान जमीन विवाद के 2 मामले का निष्पादन मौके पर दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर किया गया। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि अंचल स्तर पर लगाने वाले जनता दरबार में जो जमीन विवाद के मामले नहीं सुलझ पाते वैसे मामलों को सुलझाने के लिए हर माह 2 दिन अनुमंडल स्तर पर जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन किया जाता है। शनिवार को लगे जनता दरबार में कुल 11 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें 2 मामलों का निष्पादन किया गया। शेष मामलों के निष्पादन को लेकर अगली तिथि निर्धारित की गई है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया
नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंत नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूरी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।